मेरा मानना ये है, किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन पर सरकार के द्वारा लाठी चार्ज, हिंसा, आंसू गैस छोड़ना, ये देश में लोकतंत्र के खिलाफ है। देखिए, हमारी मांग के तौर पर केवल दो मांगे हैं। पहली बात यह कि संत रविदास का मंदिर जो चमारवाला जोहर तुगलकाबाद में तोड़ा गया है, उसकी मूल स्थान पर स्थापना हो, वो जमीन गुरु रविदास जन्मोत्सव जयंती समारोह समिति को वापस मिले, एक मांग हमारी है। दूसरी मांग ये है कि इस लड़ाई को लड़ने के दौरान जो हमारे सैकड़ों निर्दोष साथियों के ऊपर मुकदमे लादे गए, भक्तों पर मुकदमे लादे गए, उनमें से करीब 100 के करीब लोग जेल में हैं, उनको सरकार सारे मुकदमे वापस ले और उनको बिना शर्त रिहा करे। ये तो हमारी दो मांगे हैं। मेरा मानना ये है, किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन पर सरकार के द्वारा लाठी चार्ज, हिंसा, आंसू गैस छोड़ना, ये देश में लोकतंत्र के खिलाफ है। सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की है और हम जानबूझकर सांकेतिक धरना कर रहे हैं, जिससे सरकार को 5-7 दिन में ये पता लग जाए कि हमारा रिजॉल्व ये है कि अगर वो मंदिर और ज़मीन वापस नहीं देंगे तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले 2-1 दिन में हम यहाँ लंबे समय के आंदोलन के लिए बैठे हैं और हम तब तक बैठेंगे कि जब तक मंदिर की जगह हमको नहीं मिल जाती, मंदिर का निर्माण सरकार नहीं करा देती। हम बहुत ही जल्दी ये कार्यक्रम की घोषणा करेंगे कि देश में हम 1 करोड़ साइन कराएंगे लोगों से, 1 करोड़ परिवारों से साइन कराएंगे और सरकार 1 करोड़ परिवारों से साइन करा के सरकार को बताएंगे कि ये सिग्नेचर आपके लिए हैं, ये सिग्नेचर इस बात के हैं, 1 करोड़ परिवार इस आंदोलन के लिए तन मन धन से लड़ने को तैयार हैं। जैसे 21 तारीख को ये प्रोटेस्ट हुआ था और 21 तारीख को मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरह गायब था, तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वो अपना काम करेंगे, हमें अपना काम करना है। हम यहाँ न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इस आंदोलन में चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया का जो हमको समर्थन मिल रहा है, हम उनके शुक्रगुजार हैं।